Guys and welcome back to my channel Blooper Life. आज बहुत ही खास दिन है. आज है 26 दिसंबर और आज मैं जा रही हूँ टैटूज बनवाने. तो 2 साल बाद मैं टैटूज बनवा रही हूँ. लास्ट टाइम मैंने बनवाया था 2020 में, विच इज 24 दिसंबर, एंड अब मैं बनवा रही 26 दिसंबर को. तो कनिष्का भी आ रही है. जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी, जिसमें मैंने रिएक्शन लिया था अपने फ्रेंड्स का मेरे हेयर कलर पे, उसमें हमने डिसाइड किया था कि वो और मैं दिसंबर में बनवाएंगे टैटूज. हम मैचिंग टैटूज नहीं बनवा रहे हैं, मैं अपने टैटूज बनवा रही हूँ, वो अपना टैटू बनवा रही है. मैं 2 टैटूज बनवा रही हूँ. सो मेरी कैब आने वाली है और मैं जा रही हूँ. हम सेम जगह से बनवा रहे हैं जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम बनवाया था. इट इज गोइंग टू बी वेरी कोजी, कंफर्टेबल एंड फन. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड लेट्स गो. मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, बिकॉज मैं सुबह से एडिट कर रही हूँ. आज एक वीडियो भी अपलोड करनी है शाम को. फंडे मेरी कैब आ गई है, लेट्स गो. मतलब भी तो नहीं आया वो लेडीज, जब कनिष्का नहीं आई है. वो इंसान है जिसने कोई काम करके नहीं रखा है. हाँ बस ऐसे ही पहुंच गए हैं. कनिष्का आ चुकी है. फिर कैसा लग रहा है वापस जाने का? बहुत डर रही है भाई, उसको थोड़ा कुछ करो. सोच ले तब तक कहाँ बनवाना है. पर मुझे ये नहीं पता अच्छा लगेगा कहाँ. चैलेंज किया था मुझे कि इससे नहीं होगा इतना भरा हुआ. 60 बार चौथी बार कर दी है भाई. मैं तो अलग खुश हूँ, मैं तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ. देखो लग क्या रहा है कि क्या होगा, बस टिंगली टिंगली सी फीलिंग होती है. बाकी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे बनवा रहे हैं. अरे साथ में हम, तू टेंशन मत ले. हाँ जगह जगह बताओ कहाँ कहाँ बनवा रहे हो अपना टैटू. एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे. पहले सोचा था कि मैं एक इस बाजू में बनाऊंगी एक इस पे, पर मैं क्या एक ही बाजू कवर करते हैं पहले, वो कंप्लीट करते हैं फिर अगली बाजू पे जाएंगे. मैं यहाँ पे तो दर्द होगी. एक्सपीरियंस है आपको दर्द का? नहीं मेरे को तो हुई नहीं थी दर्द. फर्स्ट टाइम झूठ है. भाग्य तो बेहोश हो गई थी. सही बात है. कनिष्का हमें एक बहुत ही अच्छा ज्ञान देगी कि हम कैसे धोखे में जी रहे थे आज तक. वो मुझे इस फिश को देख के याद आया जो कि ऑरेंज कलर की है. हाँ, हम आज दिन तक जो खा रहे थे ऑरेंज, वो ऑरेंज नहीं, वो टैंजरीन था. क्योंकि ऑरेंज के जो पीस होते ही हम टैंजरीन खाते हैं, ऑरेंज तो काट के खाया जाता है. तो डिफरेंस समझा ढंग से, टैंजरीन और ऑरेंज में डिफरेंस क्या होता है? टैंजरीन को हम खोल के खाते हैं पीसीज. हाँ, एक एक पीस करके. और ऑरेंज को नींबू की तरह काटते हैं. और इंडिया में लोग ऑरेंज नहीं खाते, टैंजरीन खाते. ऑन पॉइंट and extremely on point. कैमरामैन इधर फोकस करो. पर टैटू दिखाना नहीं मैंने अभी. बंद करेंगे तब दिखाऊंगी. रिवील नहीं तो फिर अभी बंद कर देंगे सारे वीडियो. कहते हैं बैठा चुपचाप, सो रूड. जैसे मैं बैठूंगी चुपचाप. जी नहीं बैठती चुपचाप. इन सबको अच्छे से पता है इतनी पटर पटर करती हूँ मैं नजायज की. एक्साइटमेंट समझ नहीं आनी कहाँ निकालना. नहीं तो खाना नहीं खा रखा ना, तो और बबला रखी हूँ दिमाग से. तो मेरे को खाली पेट में एकदम खाली, और शाम के 4 बज गए हैं. आज ही पतली हो जाऊंगी सारी. दीदी सोच ले एंगल. लाश लग रही है भाई, नींद आ रही है. ये ऐसे एक्टिंग कर रहे जान के, जान के डराया जा रहा है मुझे. सामने वाला अगर फोबिया में ले गया तो होश हो जाएगा साथ के साथ. मैं कुछ नहीं बोलूं. कंबल लाओ भाई, ठंड लग रही है मेरे को. कंबल की फरमाइश है. मैं काम कराती हूं यहां. ये देखो लो आके कंबल. कंबल नहीं है, स्लीपिंग बैग. अच्छा ठीक है, स्लीपिंग बैग आके लो. चलो बाप की बारी. दर्द होनी चाहिए अच्छे से, पता लगे बना है. कनिष्का नर्वसनेस ऑन द लेवल ऑफ 1 to 10. ठंड लग गई. इसको भी 2 कंबल. सही बोलते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत होएगा देख. अभी
हमारा घर ना बसे, डरा दो तुम लोगों को। सुवार है ये सच्चाई, बोलते दर्द नहीं होती, सब दर्द होती है। डॉक्टर ने कहा बनवाने को? हाँ। कौन से डॉक्टर? ये डॉक्टर अनुज। अभी मैंने यहाँ से स्प्रिंग रोल मंगाए हैं और मोमोज और प्लम केक लाए। क्यों कैंसिल क्यों भाई? शाम को खाई होगी। भी रखा इसने मेरा सुबह से। कहने के लिए यहाँ के ओनर है मिस्टर अनुज, पर ये मेरा है स्टूडियो। ये मैं खातिरदारी करवाते हुए हर जगह खोलो भाई, देखो दर्द है बहुत। महारानी वाली पी ले। मैं महारानी हूँ। मोमोज ही सेकंड क्या होता है? दूसरा सेकंड पी के आप पानी कैसे पीते हैं? ऐसे अच्छा अच्छा रिवील कर देते हैं टैटू। क्या 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 कितनी गंदी लग रही है। तो फाइनली टैटूज बन चुके हैं, सुपर सुपर हैप्पी ऑब्वियसली। जो इस पे टैटू बना था उस पे बहुत बहुत पेन हुई मुझे, एक्सट्रीम पेन हुई, क्योंकि इस इंसान ने जान के भी करा कुछ ज्यादा मुझे दर्द देने के लिए, कुछ नहीं। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, बहुत लेट हो चुका है एंड मैं घर जाके एंड करूंगी व्लॉग। बाकी थोड़ी बहुत तारीफ भी करनी हुई है वो घर जाके कर दूंगी, अभी ऐसे कोई जरूरत नहीं है। बाय गाइस। हेलो डुपर फैम, दिस इज जोई एंड उदय, और अब हम रिव्यू देने वाले हैं जैस्मिन ठाकुर के नए टैटूज का। अभी तक हमने वो नहीं देखे हैं, बट वी आर प्रेडिक्टिंग इट्स गोइंग टू बी हॉरिबल। ओह माय गॉड, दैट्स व्हाट इट सेज जोई, डोंट क्विट, आई लाइक इट, यू नो इट्स वेरी बोल्ड एंड ऊपर वाला तुम खुद डिजाइन करा है वो वाला ना? या आई थॉट कि वो एक कलर अच्छा लगेगा, रेड हार्ट में पर अच्छा लग रहा है। कबूबू नो इंटरेस्ट। ओह माय गॉड, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू। यू लाइक इट? How many points do you give it? This one looks pretty good. Don't quit. ठीक है, बहुत visible भी होगा most scenarios के अंदर. I'll give it a 8.5. What about the second one? The design is pretty good. I like the color matching and it's got color in there. Some color I like that. Detailing कितनी अच्छी है? Detailing is very good. So I'll give it an 8.5. Both my tattoos are 100/10. अब मैं मम्मा का reaction लेने वाली हूँ अपने tattoos को। ये पता नहीं phone में मार के क्यों pose कर रहे हैं। Oh my God. ये क्या है? काचा माचा। अच्छा चश्मे लगाओ तब दिखेगा। Now I can see. I have lived a 1000 lives. Good. Don't quit. Very, very, very nice. Motivation है ये तो. This one is very good. ये मैंने पूरा खुद डिजाइन किया था कैनवा के ऊपर, उसमें हमने थोड़े चेंजेस किए थे वहाँ पे जाकर। इसने पूरी ये बुक बनाई हुई है कि ये बुक और लड़की है और जैस्मिन है ये, और ये थोड़ा प्यार है इसका जो उसको भी मिला नहीं है। ये इसके सपने हैं जो किश्ती जो जहाज, ये सब बुक से रिलेटेड ही है। ओके। और ये जो सारे स्टार्स और ये सब बने हुए हैं ये उन्होंने बनाया एक्स्ट्रा की विर्गो की जो राशि होती है। दोनों टैटू अच्छे हैं। पहले वाला तो मेरे को कुछ मतलब ठीक था, मतलब पहले वाला मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा था कि ऐसे वाला है, बट ये अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप इट अप, बनाते रहो। हाँ, हर साल एक बनाना है। अभी दो साल से बनवाया नहीं था ना कोई, तो फिर दो बना लिए इकट्ठे। साल एक श्योर यू शुड, आपकी सारी फ्रेंड्स ने बनवाए हुए हैं, मैं तो आपको बोलती हूँ आपको बनाना चाहिए। जैस्मिन का ये कहने का मतलब है कि मेरी माँ जो है वो दुनिया का कोई काम ऐसा छोड़े ना जो वो ना करे। माँ की क्या बात है, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, सब ट्राई करना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं इससे किसी को नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, इट इज अ गुड थिंग एंड यू शुड डू इट फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू। मैं कहाँ पे बनवाऊंगी? जहाँ पे आपका मन करे, जो आपका मन करे, आप सोच सकते हो अपने लिए। यहाँ पे बनवाऊंगी। हाँ, बनवा सकते हो बिल्कुल, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, ये क्या मैंने बनवाया था और सोच लेती। आई एम नॉट श्योर बट मे बी मैं अपने नेक्स्ट बर्थडे पे ये ट्राई करूंगी। कुछ लोग टैटू बनवाते हैं सिर्फ कि हमें डिजाइन बनवाना, कुछ तो बनवाते हैं, कुछ चाहते हैं कि उनके हर टैटू का मीनिंग हो। जैसे मैं, मेरे हर टैटू का कोई मीनिंग है। आई विल थिंक अबाउट इट। दिल नहीं लगता मेरे, मैं देखो फिर आ गए। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है? देखा कल तो इतना सुना रहे थे मुझे। कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं काम करने आया यार।
Okay guys, so it is the next day. अभी वो गए हैं कुछ final touchings देके मेरे टैटू को ताकि तो थोड़ा लंबा stay कर सके. कल उनके पास available नहीं थी ये चीज, तो वो आज आए पिक करने के लिए. स्पेशली यू नो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म. उन्होंने अपना काम पूरा किया. अगर आपने मेरी फर्स्ट टैटू वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैं इनके पास ही गई थी, तब इनका स्टूडियो बहुत डिफरेंट था. अब उन्होंने बहुत अपग्रेड कर लिया उस चीज को. बट एवरी टाइम आई गो देयर इट इज वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही मैं फैल जाती. जैसे आपने देखा मैं पूरा स्लीपिंग बैग मंगवा के वहां पे प्रॉपर ऐसे बैठी हुई थी. बहुत ही अच्छा वाइब आता है, बहुत ही पॉजिटिव लोग होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाते हैं. जैसे मैंने इमेजिन किया था उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यारा बना. सब जिन जिनको मैंने दिखाया सबने इतनी तारीफ की है कि कितनी प्यारी डिटेलिंग है और कितना अच्छा लग रहा है. जो ऊपर वाला टैटू है बुक्स वाला है, मैंने अपने बुक्स पढ़ने के प्यार को दिखाते हुए किया. आई हैव लिव्ड 1000 lives. सेकंड वन इज जस्ट अ मोटिवेशनल टैटू दैट डोंट क्विट एंड डू इट. आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी जैसे मेरे टैटूज टर्न आउट हुए हैं. फर्स्ट वाला टैटू मैंने खुद डिजाइन किया था, उसमें काफी कुछ बिकॉज मैंने इतना सर्च किया था पिनट्रस्ट पे और गूगल पे, तो मुझे कोई भी टैटू पसंद नहीं आ रहा था. मुझे लग रहा था कि यार ये मेरा विजन नहीं उसमें आ पा रहा था. सो आई डिसाइडेड कि मैं खुद ही उससे बनाती हूँ. तो मैं कैनवा पे गई एंड आई पुट अप सम एलिमेंट्स टुगेदर, थोड़ा उनको ज्वाइन किया एंड देन आई शोड इट टू हिम. और उसमें हमने चेंजेस किए हैं वहां जाकर. बट ही ऑल्सो सेड कि तूने मेरा काम काफी आसान कर दिया. सो रिस्ट टैटू में मुझे पेन हुई, नो डाउट वो आपने मेरे एक्सप्रेशन से भी देखा होगा. कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पे आपको पेन होती ही होती है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. दो साल बाद मैंने दोबारा टैटूज बनवाए हैं एंड मैंने सोचा दो साल बाद बनाए थे दो टैटूज, क्योंकि हर साल एक टैटू तो होना ही चाहिए. थोड़ा एम ऐसा सा है एंड आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी मेकिंग टैटूज जो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल होते हैं, और ये टैटूज मेरे लिए बहुत मीन करते हैं. सो अभी तक मेरे पास 3 टैटूज हैं. Moving forward towards more. And मेरी permanent place तो ऑरेंज tattoos ही रहेगी tattoos करवाने के लिए, because जो comfort और जो professionalism, जो observation on detail, completely satisfy करना जो एक client चाहता है आपसे, वो मुझे कहीं और कभी मिला नहीं. And prices are also very very genuine. I feel that is the best place to go. अगर आप कभी भी चंडीगढ़ में, और ये बिल्कुल भी promotional video नहीं है, ठीक है, genuine कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि यार इससे बेस्ट तो कोई नहीं है. बहुत सारे हाई एंड टैटू स्टोर्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्ट करते हैं एंड आई एम श्योर उनके टैटू आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करते होंगे, बट आई थिंक हमारी जेब तो इतना ही अलाउ करती है और उसमें ही हमारे बहुत सुंदर टैटूज बन के रहते हैं. सो वाई नॉट, अगर आप कभी भी चंडीगढ़ में आए और अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं एंड आप सोच रहे टैटूज बनवाने की, सो मेरा अश्योरेंस है कि यू विल नॉट रिग्रेट गोइंग टू देम एंड यू विल लव हाउ द टैटू कम्स आउट. एंड जो मैंने सोचा था वो विजन पूरा हुआ, उससे बेटर ही दिख रहा है. आई विल लीव देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड देयर इंस्टाग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन. सो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू देम एंड यू वांट योर टैटू मेकिंग एक्सपीरियंस टू बी अमेजिंग, गो चेक देम आउट. ऑल्सो ड्रॉप इन एनी क्वेश्चंस जो आपको हैं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा ब्लैंक फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने आउटर कल करी थी, पर कल मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी घर वापस आके कि मैं कुछ नहीं कर पाई. तो मैंने सोचा कि मैं बस अब कंबल में घुस रही हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती. मैं रील भी डालूंगी इसकी, बट मैं रील के लिए वेट कर रही हूँ अभी. मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पर रील नहीं किया बिकॉज मुझे है कि पहले मैं यूट्यूब वीडियो डालूंगी एंड उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी. सो लकी पीपल हु फॉलो मी ऑन यूट्यूब. क्लोज द वीडियो राइट नाउ एंड टेल मी आप लोगों को मेरे टैटूज कैसे लगे. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके फेस पे एक स्माइल आई होगी. अगर ऐसा हुआ सो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर नहीं भी अच्छी लगी तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, अगली वाली अच्छी लग जाएगी. टिल देन हैव अ ब्लूपर लाइफ.